अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के लेक्चर जो हैं वो डिलीवर किए जा रहे हैं। हमारा पांचवा लेक्चर जो था वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक था। लेक्चर सिक्स स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के हमें रिएक्शन को डिस्कस करना है विद वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, इन तीनों के साथ हम इसको देखेंगे। तो थर्ड पीरियड तो आपको पता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट हुए सोडियम से लेकर आर्गन तक मूव कर रहे हैं, इसके हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। थर्ड पीरियड की रिएक्शन वन बाय वन, वाटर के साथ, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। तो पहला जो हेडिंग लगी है दैट इज रिएक्शन विद वाटर। सोडियम का क्या रिएक्शन होगा, वाटर के साथ क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा रिएक्शन विद सोडियम। वाटर का जो रिएक्शन होगा वो सोडियम के साथ क्या होगा, फर्स्ट इसको मैं पॉइंट वाइज कर लेता हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा कि सोडियम कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है। मतलब सोडियम आपका वैसे ही रिएक्टिव है तो कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, जिसके नतीजे में सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगा, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, ये कौन से वाटर से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम को। सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो हीट है वो इवॉल्व होती है। एक्सो स्टैंड्स फॉर द आउटसाइड, थर्म स्टैंड्स फॉर द हीट, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही हो, निकल रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, वो इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए आप इसमें कोफिशिएंट लगा देंगे, यहाँ पर टू और यहाँ पर टू, ताकि रिएक्शन क्या हो आपका बैलेंस रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, सेकेंड रिएक्शन विल बी विद मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ जो इसका रिएक्शन होगा वाटर का, वो क्या होगा कि मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब आप कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, सेम रिएक्शन होगा। मतलब मैग्नीशियम को अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करें, कोल्ड वाटर में जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वो सेम प्रोडक्ट बनाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन तो सिमिलर है एज दैट ऑफ द अबव रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब हम कोल्ड वाटर की बजाय हॉट वाटर यूज करें, अगर इसका रिएक्शन करें हॉट वाटर के साथ, ठीक है, हॉट वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, अब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी जब हम प्रोड्यूस, जब इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, हॉट वाटर के साथ। तो हॉट वाटर के साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइल इन कोल्ड वाटर इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, ठीक है, या तो वैसे ही आप वाटर को हॉट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके दो रिएक्शन हो गए, ठीक है, सोडियम का और मैग्नीशियम का विद वाटर। थर्ड रिएक्शन किसके साथ होगा, दैट इज विद एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा वाटर का, एल्युमिनियम के साथ जो वाटर को आप रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है कि ये क्या बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, इट प्रोड्यूसेस एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्युमिना भी कहते हैं, इज आल्सो नोन एज एल्युमिना, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और ये भी एक क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। ये एल्युमिनियम की एक लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी इस एल्युमिना की, ठीक है, टॉप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, इसको हम एल्युमिना कहते हैं, दिस इज नोन एज एल्युमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा एल्युमिनियम का वाटर के साथ, ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, एल्युमिना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला रिएक्शन होगा विद सिलिकॉन। फोर्थ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, सिलिकॉन के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, जब आप सिलिकॉन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिलिका प्रोड्यूस करता है, सिलिकॉन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सिलिका SiO2 प्रोड्यूस करेगा विद H2। तो सिलिकॉन के साथ वाटर को अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सिलिका, ठीक है। सिलिकॉन के मुताबिक क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट इन एलिमेंटल फॉर्म, तो हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो हाई टेम्परेचर पर जाकर ये
वाटर से रिएक्ट करता है। आपको पता है सिलिकॉन का हमने लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी था कि सिलिकॉन हैज अ कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका एक कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट स्ट्रक्चर था और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा था 1420 सेल्सियस। तो एलिमेंटल फॉर्म है तो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, जब इसको आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब जाकर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वाटर के साथ, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास एलिमेंट आ रहा है दैट इज फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो फिफ्थ आपका जो रिएक्शन होगा वो फॉस्फोरस का देखेंगे, फॉस्फोरस ऑल टुगेदर बिल्कुल भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, सल्फर भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा और आर्गोन भी, इन तीनों की कोई रिएक्शन नहीं। फॉस्फोरस सल्फर एंड आर्गोन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पढ़ा था कि फास्फोरस सल्फर और आर्गन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब अगर आप क्लोरीन को देखें, अगर क्लोरीन का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ठीक है, और HOCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपो क्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा क्लोरीन, लेकिन फास्फोरस सल्फर और आर्गन का कोई भी रिएक्शन नहीं दिखेगा। तो ये हमने रिएक्शन डिस्कस कर दी थर्ड पीरियड के विद वाटर, वाटर के साथ इसके क्या रिएक्शन हो रहे हैं तो वो हमने देख लिया। तो इसमें हमने देख लिया कि सोडियम प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड वाटर के साथ हॉट वाटर के साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह एल्यूमिनियम वाटर्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एल्यूमिना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सिलिकॉन एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और क्या प्रोड्यूस करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सिलिका, ठीक है। और इसी तरह फॉस्फोरस सल्फर और आर्गन जो है वो आपको पता है एलिमेंटल फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके अंदर, तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं और HOCl बना रहे हैं, ठीक है। HOCl क्या है, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो यहां तक आपका जो रिएक्शन था विद वाटर वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसका क्या रिएक्शन हो रहा है तो वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर नाम आप इसको देखेंगे डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट विल बी इसको हम बी कर देते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ आपके जो थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम को हम डिस्कस करेंगे। सोडियम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न करता है तो ये येलोश फ्लेम प्रोड्यूस करता है और सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन। फर्स्ट है सोडियम का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब भी आप सोडियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज सोडियम ऑक्साइड, इसको हम सोडियम ऑक्साइड कहते हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड भी कहलाता है, इट इज अ नॉर्मल ऑक्साइड। व्हाट इज अ नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड कौन से होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी नंबर क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। तो जब भी आप सोडियम को जलाते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, या वो बनाएगा नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड वन, इसको हम कहते हैं सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद हैं कि आप जब आप सोडियम को बर्न करते हो तो आपको येलोश फ्लेम मिलेगा, किसका, नॉर्मल ऑक्साइड का या परऑक्साइड का, सोडियम परऑक्साइड का। व्हाट आर द परऑक्साइड, परऑक्साइड वो होते हैं जिसका ऑक्सीजन का वैलेंसी नंबर क्या होता है, -1 होगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा और ये क्या होंगे, दे प्रोड्यूसेस येलोइश फ्लेम,
इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी आप सोडियम को बर्न कर रहे होंगे तो फ्लेम कैसा आएगा, दैट विल बी अ येलोइश फ्लेम, ठीक है। इसी तरह हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस व्हाइट फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका एक व्हाइट फ्लेम बनेगा, ठीक है, व्हाइट फ्लेम, ठीक है, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम बनेगा, ठीक है, जो बिल्कुल आपको वास्तव में क्लियरली नजर आएगा, ठीक है, ये होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास कौन सा, दैट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को आप जब बर्न करते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलाते हो तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम एलुमिना बोलते थे, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, एलुमिना बनेगा जो कि बिल्कुल इसी तरह व्हाइट फ्लेम से जल रहा होगा, व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि एल्यूमिनियम बर्न्स विद अ व्हाइट फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन बर्न करेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, सिलिकॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सिलिका, SiO2 क्या प्रोड्यूस करेगा, सिलिका, ठीक है। सिलिका का फ्लेम भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो अ ब्राइट येलो, ठीक है, इसका जो फ्लेम होगा वो क्या होगा, वो ब्राइट येलोइश फ्लेम। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी आप सिलिकॉन को बर्न करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका प्रोड्यूस करेगा, उसका फ्लेम क्या होगा, दैट इज अ ब्राइट येलो फ्लेम, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस सल्फर का रिएक्शन है, ठीक है, दो रिएक्शन है हमारे पास। फास्फोरस को जब आप जलाओगे, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फास्फोरस P4 ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाओगे तो ये फिर आपको दो टाइप के मिक्सचर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दो टाइप के क्या मिक्सचर प्रोवाइड करेगा, एक फास्फोरस 3 ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा P4O6, ठीक है, और दूसरा क्या प्रोड्यूस करेगा, P5O10, ठीक है। मतलब ये आपको दो टाइप के मिक्सचर प्रोवाइड है, जब भी आप फास्फोरस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो आपको एक मिलेगा फास्फोरस 3 ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरस 3 ऑक्साइड, ये क्या है, दिस इज अ फास्फोरस 5 ऑक्साइड, दिस इज अ फास्फोरस 5 ऑक्साइड, ठीक है, एक है फास्फोरस 3 ऑक्साइड, एक है फास्फोरस 5 ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा जब आप फास्फोरस को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फ्लेम दोनों क्या होंगे, वो व्हाइट होंगे, लेकिन इसमें एक फास्फोरस 3 का होगा ऑक्साइड और एक फास्फोरस 5 का होगा। अब इसको हम फास्फोरस 3 ऑक्साइड कैसे कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पर तो P4 है, इसको P3 या फास्फोरस 3 ऑक्साइड कैसे कह रहे हैं, आपको पता है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक ऑक्सीजन की, दैट इज -2, तो 6 की क्या होगी, -12 होगी, ठीक है, तो इस -12 को जीरो करने के लिए इसमें क्या होगा, +12 होगा, तो नेट चार्ज जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 फास्फोरस कंटेन 12 प्लस 4, यानी 4 फास्फोरस पे प्लस 12 चार्ज है तो एक फास्फोरस पे क्या होगा, प्लस 3 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब एक फास्फोरस पे क्या होगा, प्लस 3, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फास्फोरस 3 ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको 5 ऑक्साइड कैसे कह रहे हैं, कि आपके पास ये 10 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे क्या है -2, तो 10 पे क्या होगा -20, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या होगा, +20, 5 फास्फोरस कंटेन +20, तो एक फास्फोरस पे क्या होगा, एक फास्फोरस पे +5 होगा, ठीक है। तो अब आप देखो तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या 5 ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया। इसके बाद सल्फर का रिएक्शन, सल्फर को जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हो तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल सा रिएक्शन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, इसके जो फ्लेम होंगे वो क्या होंगे, वो ब्लू फ्लेम होंगे, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका व्हाइट फ्लेम होगा। तो ये आपका रिएक्शन है सल्फर का ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद आपके दो रह गए, दैट इज क्लोरीन एंड आर्गन, दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इन दोनों के ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन
नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए, थर्ड पीरियड के रिएक्शन विद वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट।